चंचल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो है चांदनी चौक साड़ी हॉल, और ये जो सारी साड़ियां हैं वो मेरी वेडिंग की है, तो जितनी हो सकेगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। पूरी तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ मैक्सिमम जितनी भी होगी, जितनी भी मेरी फेवरेट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें मैं अपनी वेडिंग का लहंगा एंड रिसेप्शन का लहंगा भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शानविका चंचल। सो डू नॉट फर्दर एनी डिले, लेट गेट स्टार्टेड। सिल्क साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी। और साड़ी ये कुछ ग्रे एंड ब्लैक कलर में, और इसका बॉर्डर बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका कलर है। इस तरह की साड़ी है ये पूरी, और इसका पल्लू जो है, पल्लू पोर्शन ये इस तरह का है, ब्लैक कलर में है ये। और ये पहनने के बाद में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी लगती है ये साड़ी, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी साड़ी है। तो ये एंड जो नेक्स्ट साड़ी है गाइस, इसका कलर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और ये जो इसका फैब्रिक है वो है खादी सिल्क में। और ये जो शॉप थी वो मैं बाद में आपको शो करूंगी, ऐसे मुझे नाम याद नहीं है, बट मेरे लहंगे का जो बैग है उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको जब दिखाऊंगी तो वो मैं आपको बता दूंगी कि किस दुकान से ये साड़ी हमने परचेज की थी। ये चांदनी चौक में अंदर जाके गली है एक, उसमें से ही परचेज की है। तो ये कुछ इस तरह से है, इसमें ये एकदम प्लेन साड़ी है इस तरह का, और ये बॉर्डर जो है ये इस तरह से है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा बॉर्डर है इसमें। ये इस तरह से जो पाइप होते हैं वो पाइप वाला बॉर्डर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ये पूरा इस तरह से अंदर से इतना थिक इसमें ये लगा हुआ है। एंड देन ये नीचे रेड कलर की इसमें पाइपिंग लगी हुई है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर लगता है इसका, पहनने के बाद में बहुत ही प्यारा लुक आता है, इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एंड इसका जो ब्लाउज है वो मैंने ब्लाउज कलेक्शन जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें दिखाया हुआ है, तो वो मैं नीचे ऊपर लिंक इसका दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके इसका ब्लाउज जो है देख सकते हैं, और भी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लाउज है उसमें। एंड जो नेक्स्ट साड़ी है गाइज वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी है, ये मेहंदी ग्रीन कलर जो होता है उस कलर की साड़ी है, और इसका जो पल्लू वाला पोर्शन है वो कुछ कलर का है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है इसमें, तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है ये। इस तरह की है ये साड़ी का कलर जो है पूरा ऑल ओवर इस तरह का है, और ये पल्लू वाले पोर्शन में बस ये वाला कलर है ये। एंड ये जो बॉर्डर दिया हुआ है नीचे, इस तरह का बॉर्डर है इसमें, पतला सा थिक बॉर्डर, पतला सा बॉर्डर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, गोल्डन कलर की थ्रेड में एम्ब्रॉयडरी है, तो इसका जो लुक आता है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आता है। और इसका भी ब्लाउज जो है वो मैं उस वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी लगती है, इसका कलर कंट्रास्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। एंड गाइस जो नेक्स्ट साड़ी है वो पर्सनली मेरी फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है साड़ी, इसका कलर एंड इसका वर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। ये कुछ इस तरह से ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर में इसमें शाइन आती है, ब्लू एंड ग्रीन की इसमें शाइन आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर लगता है ये। और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो हैंडवर्क है, बहुत ही प्यारी सी एकदम सटल सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसमें पूरे में, बहुत ही प्यारी सी लगती है ये साड़ी मुझे। इसको पहनने के बाद जो लुक आता है वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल आता है, और इसका जो पल्लू वाला पोर्शन है उसमें इस तरह से ये पल्लू है, और कितनी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसमें पूरे में, बहुत ही प्यारा वर्क है ये हैंड, और इसके जो थ्रेड है बहुत ही बारीक बारीक सी एम्ब्रॉयडरी है, तो इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जो थोड़ी मोटी मोटी सी होती है वो थोड़ा कम पसंद आती है, बट इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है इस साड़ी की। ये जो सारी साड़ियां हैं मैंने बहुत ही कम पहनी है, साड़ियां तो वैसे भी बहुत ही कम पहनने में आती हैं, और ये जो नेक्स्ट साड़ी है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है, पूरी पार्टी वियर साड़ी है ये इस तरह की, इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसमें पूरा गोल्डन कलर का इस तरह से बूटियां बूटियां बनी हुई है, और इसका बॉर्डर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा बॉर्डर है, इसमें कुंदन का वर्क हो रहा है ये गोल्डन कलर थ्रेड से, और ये पूरा कुंदन वाला वर्क हो रहा है, और इसका जो पल्लू है वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है,
इस तरह से है, प्रॉपर पार्टी वियर साड़ी है ये भी, इस तरह से इसका वर्क है। तो इसका वर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, गोल्डन कलर से। इस तरह की वेडिंग में, पार्टी में इस तरह की साड़ियां बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। और ये जो सारी साड़ियां हैं इस तरह की हैं कि कभी आउटडेटेड नहीं होंगी। ये जो सारी साड़ियां, हम इतनी कॉस्ट लगाती हैं इन साड़ियों पे, इतनी 15,000, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 6,000, इस तरह से ये साड़ियां आती हैं। तो उस तरह की साड़ी लो कि कभी आउटडेटेड ना हो आपकी, कि आप उसको पहन सको, सालों साल तक इसको पहन सको। कुछ इस तरह का अगर आपका फैब्रिक है, वर्क है, तो ये जो सिल्क की साड़ियां होती है वो कभी आउटडेटेड नहीं होती, और इनका कुछ वर्क है जो मतलब कभी नहीं जाता है। एंड जो नेक्स्ट साड़ी है गाइज, वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी साड़ी है। ये रॉयल ब्लू कलर में है, ये डबल पार्ट की साड़ी है। इसका हाफ पार्ट जो है वो इस तरह से है, एंड हाफ जो है वो गोल्डन कलर में है। इसमें कुछ इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है ये पूरा। ये जो बॉर्डर है वो वेलवेट का है, वेलवेट की जो लेस आती है उसका बॉर्डर दिया हुआ है। और इस तरह से इसमें ये पैचेस बने हुए हैं, और इसके हाफ पोर्शन में ये वाला फैब्रिक है, ये इस तरह से इसमें पैचेस लगाए हुए हैं, और नीचे कुछ इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। और इसका जो ब्लाउज है वो वेलवेट का है, पूरा ब्लू कलर का। तो वो भी मैंने अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ मैं उस ब्लाउज को। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज है इस साड़ी का। ये जो साड़ी है वो मुझे ब्लाउज की वजह से ही पसंद आई थी। तो आप उस ब्लाउज को देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन पे भी लगा दूंगी। एंड जो नेक्स्ट साड़ी है गाइज, ये है मेरी, मैंने अपनी फेरों के टाइम पे ये साड़ी पहनी थी। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। इस तरह का इसमें पूरी साड़ी में वर्क हो रहा है, नीचे ऊपर इस तरह से पूरा, काफी हैवी सा वर्क हो रहा है इसमें। पूरे येलो कलर से एंड ये गोल्डन कलर से थ्रेड वर्क हो रहा है पूरी साड़ी में। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है ये भी। इस तरह से पूरा वर्क हो रहा, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। और ये जो साड़ी है वो मैंने अपने फेरों के टाइम पे पहनी थी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ये साड़ी। और वैसे भी येलो कलर की साड़ी तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, पूजा में भी काम आ जाती है। एंड नेक्स्ट जो साड़ी है गाइज, प्योर शिफॉन में है। इसमें भी जो है ये इस तरह से थ्रेड वर्क हो रहा है। मेरे पास जितनी भी जो साड़ियां हैं उसमें थ्रेड वर्क हो रहा है, या सिंपल एंड सोबर सा बॉर्डर है। तो इस तरह की मुझे काफी हैवी साड़ियां पसंद नहीं है, बट ये जो शादी की साड़ियां थोड़ी हैवी हो ही जाती हैं। तो ये जो अब मैं बिल्कुल भी साड़ी नहीं लेती हूँ, ना ही मैं पहनने का मौका ही मिलता है। साल में एक दो बार पहन लिया तो पहन लिया, नहीं तो ये साड़ियां जो है रखी की रखी रहती हैं। तो ये सारी शादी की साड़ियां हैं, और इसमें इस तरह का ब्यूटीफुल सा वर्क हो रहा है। इसका जो फैब्रिक है वो प्योर शिफॉन में, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा फैब्रिक है। और इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा है। इस तरह का इसमें बॉर्डर है, नीचे इस तरह से ये लेस लगी हुई है इसमें मोती वाली। तो ये साड़ी भी डबल कंट्रास्ट में, ऑरेंज एंड रेड कलर में। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लगता है। एंड जो नेक्स्ट साड़ी है गाइस, उसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है मुझे। ये स्किन कलर में है, और पूरी साड़ी में जो है इस तरह का वर्क हो रहा है। ये नीचे एंड पल्लू पे पूरा इस तरह का हैवी वर्क हो रहा है ये रेड कलर से। इसका जो ब्लाउज आया था वो इसी कलर से आया था, ये जो स्किन कलर है इसी कलर का आया था। तो वो मैंने नहीं बनवाया, मैं इसके साथ जो है रेड कलर का ब्लाउज पेयर करती हूँ। रेड कलर के मेरे पास कई सारे ब्लाउज हैं जो इस साड़ी के साथ मैच कर जाते हैं, और रेड कलर के ब्लाउज के साथ ये ज्यादा अच्छी लगती है मुझे ऐसा लगता है। इस कलर के अगर मोनोक्रोम लुक देना चाहते हो तो उससे ज्यादा अगर आप इसको कंट्रास्ट में पहने रेड के साथ तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क हो रहा है पूरी साड़ी में, नीचे से लेके पल्लू पोर्शन में इस तरह का वर्क हो रहा है। और ये भी पूरा थ्रेड वर्क है, ये मशीन वाला जो होता है थ्रेड वर्क है। और बहुत ही ब्यूटीफुल से इसमें इस तरह के रेड रेड फ्लावर भी बने हुए हैं पूरी साड़ी में। तो ये एंड गई एक ये साड़ी है, इसका कलर भी जो है ये भी नेट वाले फैब्रिक में है। और इसमें जो वर्क हो रहा है वो जरी वाला वर्क जो होता है वो वाला वर्क है। ये इस तरह का वर्क जो है वो पहले काफी चला था, इस तरह की जो ट्रेंड में भी रही थी इस तरह की जो वर्क है। तो ये इस तरह की इसमें बीच बीच में इस तरह से ये वर्क
ये बूटियां लगी हुई हैं, ये पूरा इसी तरह से वर्क हो रहा है, ये कपड़े में ही वर्क हो रहा है। और इसका जो बॉर्डर है बहुत ही ज्यादा पतला सा, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है ये इसका जो बॉर्डर है। जो कलर है वो पहनने के बाद में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है। और ये जो साड़ी है ये मैंने अपनी इंगेजमेंट पे पहनी थी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ये साड़ी पहनने के बाद में। वैसे काफी लाइट वेटेड लगती है ये, बट पहनने के बाद में जो उसका लुक आता है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आता है। सो गाइस, साड़ियां जो है वो ऑलमोस्ट मैंने दिखा दी हैं, और आप बताना अगर आपको पसंद आती है तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करूंगी। और अब मैं दिखाती हूँ मेरे जो रिसेप्शन का जो लहंगा था वो दिखाती हूँ। और ये मैंने लिया था सुनील कुमार एंड संजय कुमार, ये है न्यू महेश मार्केट गली घंटे वाली चांदनी चौक। ये जो लहंगा है ये मैंने वहां से परचेज किया है। और जो शादी वाला मेरा जो लहंगा है वो अभी जो हमारा दूसरा घर है वहां पे रखा हुआ है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं आपकी उसके साथ पिक शेयर कर दूंगी किस तरह का है किस तरह का नहीं है। ये जो है ये वाला जो लहंगा है ये मेरे रिसेप्शन का लहंगा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है ये। इसका जो कलर कंट्रास्ट था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये इस तरह का है पूरा, इसमें जो दुपट्टा है वो मैजेंटा कलर में, इस तरह का इस तरह के कलर में। तो इसमें जो है ऑल ओवर ये इस तरह से ये बूटियां बूटियां बनी हुई है, एंड नीचे काफी हैवी सा ये जो वर्क है, जरी वर्क है ये पूरा, कुंदन एंड जरी वर्क है, तो ये पूरा दिया हुआ है नीचे। और इसमें कैन कैन भी लगी हुई है अंदर, तो काफी ब्यूटीफुल सा लहंगा है ये कलर कंट्रास्ट में, तो रिसेप्शन के लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है इस तरह से। और इसका जो ब्लाउज है वो भी पूरा हैवी वर्क वाला है, ये जो ब्लाउज है इसका ये भी पूरा हैवी वर्क हो रहा है इसमें इस तरह से, तो ये भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अभी इसका जो दुपट्टा है वो कहीं और रखा हुआ है, बट मैं पिक्चर में मेंशन कर दूंगी आपको। तो ये है मेरे वेडिंग रिसेप्शन का लहंगा, और वेडिंग वाले की मैं आपको वीडियो एंड पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये है गाइज मेरा वेडिंग का लहंगा, इसको मैं 2 बार पहन चुकी हूँ, एक अपनी शादी पर एक अपने भाई की शादी पर भी मैंने यही लहंगा पहना था, बट थोड़ा चेंज करने के लिए इसमें मैंने ब्लाउज जो है वो चेंज कर लिया था। उसमें जो ब्लाउज है शादी पे वो इसी लहंगे के साथ में आया था, और ये जो ब्लाउज है रेड कलर का वो मैंने अपने भाई की शादी में बनवाया था, तो इसको मैंने इसके साथ पेयर किया है, तो इसके साथ भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये है पूरा लुक उस लहंगे का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा और हैवी लहंगा है काफी। शादी होने वाली है तो आप जैसे कोई लहंगा लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि रेड कलर का ही ले, कई सारे अब आजकल तो कोई भी कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, कोई किसी भी कलर में आप ले सकते हैं, गोल्डन कलर में और मल्टी कलर में। तो लहंगा वो ब्राइड वाली फील देता है, जैसे आप अपनी शादी में उसको पहन लेते हैं तो बाद में उसको पहनने में थोड़ा ब्राइड ब्राइड वाला लुक आता है, तो आप बाद में पहनने में उसको हेजिटेट होते हैं। बट आप किसी दूसरे कलर का लहंगा अगर परचेज करते हैं तो आप उसको कहीं पर भी पहन सकते हैं, किसी भी वेडिंग में पहन सकते हैं, तो इतना ऑकवर्ड नहीं लगता है। तो ये था गाइज आज का मेरा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें, एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है।